नैनीताल की खूबसूरत तरीन वादी, गुलीन ठंडे और साफ पानी के चश्मों, घने जंगलात, सदियों पुराने ग्लेशियर्स, मुख्तलिफ फलों के बागात, जंगली हयात, ट्राउट मछली की वजह से खास अहमियत रखती है। मगर बदकिस्मती से ये खूबसूरत वादी हुक्मरानों के साथ साथ सयाहों की नजरों से भी ओझल है। गुलीन में वाकया ट्राउट फिश फार्म में हर उम्र और मुख्तलिफ साहत के हजारों मछली पाई जाती है। यहाँ का पानी नहायत ठंडा और साफ है, जिसमें ट्राउट मछली बहुत खुश रहते हैं। हाफिज अल असद का कहना है कि ज्यादा ठंड की वजह से इन ट्राउट की ग्रोथ बढ़ोतरी नहायत सुस्त रफ्तारी से होती है, जिसकी वजह से इनका जायका भी नहायत लजीज और मनफरद है। ट्राउट मछली को देखने और उसे खाने के लिए मकामी और गैर मकामी सयाह भी यहाँ आते हैं। इस वादी में मालखोर और आईबक्स किसी तादाद में और बड़े साइज के पाए जाते हैं। ट्राउट फिश फार्म में सयाहों की दिलचस्पी के लिए आईबक्स का एक मुजस्मा भी रखा गया है, जिसका साल 2018 में शिकार हुआ था। इसको देखने के लिए मर्दों के साथ साथ खवातीन भी आती हैं और यहाँ की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकती। यहाँ पहाड़ों की चोटियों पर काफी पुराने और बहुत बड़े ग्लेशियर यानी बर्फानी तोड़े पड़े हैं। ग्लोव इवेंट यानी ग्लेशियर फटने की वजह से यहाँ अक्सर सैलाब आते रहते हैं, जिससे इस खूबसूरत वादी की सड़कें मुतासिर हुए हैं। यहाँ साफ और ठंडे पानी के इतने कुदरती चश्मे मौजूद हैं कि अगर इनको पाइपलाइन के जरिए नीचे ले जाया जाए तो न सिर्फ पूरे चित्राल के लिए काफी है, बल्कि पूरे सूबे को ये साफ पानी फ्राहम की जा सकती है। यहाँ के मकीनों ने वादी की सड़कों की बेहतरी का मुतालबा किया है, ताकि ये वादी भी सियाहत के जरिए तरक्की कर सके और यहाँ से गुर्बत का खात्मा किया जा सके।